Pull it out the coop at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a link with the box. Had to put the stick in the box. तो गाइस यार बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे भाई, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था 2-3 दिन पहले, कि आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं आपको आज फुल मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। और भाई गेम प्ले आप लोगों के लिए बहुत ही खास लेके आओ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गेम प्ले डालो उसमें, और एक और गेम प्ले डालो गाइस आप लोगों के लिए, जो सिंगापुर में मैंने डालना भूल गया था, मतलब इतना प्यारा गेम प्ले जाता है ना, इस वीडियो में आप लोगों ने वो देख लेना है। तो बात करते करते उस गेम प्ले को भी दिखा दिए आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको भी, मैं अब वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे कोई बात नहीं गाइस, पहले तो गेम खेलने का मन नहीं कर रहा मेरा, पहली बात तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सेकंड बात है भैया, कॉइंस तो ऐसे जा रहे ना गाइस, क्या ही बोलो, मतलब जब मैं गेम लगा रहा हूँ ना तो अपने ओपोनेंट की टर्न आ रही है, और टर्न ओपोनेंट के आए बाद वो बंदा भी आईटू प्लेयर हैकर वाला बंदा आ जा रहा है, बाद में अपनी गेम मार के भी चला जा रहा है। हाँ ना यार गाइस, क्या ही बोलो आप लोग, यार मुझे हंसे आ रही है, क्या ही बोलो आप लोगों को, मतलब यार बंदा छोड़ रहा ही नहीं, मतलब एक ही बार में पूरा फिनिश करके चला जा रहा है पूरा गेम प्ले। और कॉइंस तो भाई मतलब इतने रफ्तार से कम होते जा रहे हैं ना, वो आप लोग छोड़ दो। और भाई मुझे पता है आप मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों का बुरा हाल हो लाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो कंटिन्यू खेल रहे होंगे ना, वैसे तो मैं कंटिन्यू खेल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत से लोग तो यार हैक यूज़ करना स्टार्ट कर लिए, और भाई चलो कोई नहीं, सभी लोग यूज़ कर रहे, तो भाई आपके पास कॉइन नहीं है तो आप भी यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई बात नहीं। पर यही एक कारण है गाइस जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर, पर अब से क्या करेंगे गाइस, जो अपने मुंबई एरिया गेम प्ले ना वो उसके गेम प्ले लेके आएंगे, क्योंकि भाई उसमें कुछ कम प्लेयर मिलते हैं, आई2 प्लेयर हैकर थोड़े से प्लेयर मिलते हैं, लुलू बॉक्स के पर वो चलेगा भाई, लुलू बॉक्स के प्लेयर चलते अपने को, पर आई2 प्लेयर हैकर नहीं चलते, क्योंकि भाई वो चांस तो देंगे ना भाई अपने को लुलू बॉक्स वाले। अच्छा हमको सिखा रहा है? नहीं भाई लोग, आप लोगों को नहीं सिखा रहा, आप तो बहुत सीखे हो भाई, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लुलू बॉक्स वाले कैसा एक आधी बार मिस हो जाती है कॉइन तो अपने चांस मिल जाता है, और भाई अपन फिनिश कर पाते हैं फिर बाद में। आपको तो पता है भाई लुलू बॉक्स एक बार उसको टर्न मिल गया तो भाई पूरा फिनिश कर देगा, और अगर आप लोग कॉइन मिस कर देंगे तो भाई जब भी वो फिनिश करके चले जाएगा, तो प्लस पॉइंट उसके पास है भाई, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। तो चलो कोई नहीं, अभी तो गेम प्ले तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा गेम प्ले देख के, तो आप लोगों ने इंटरेस्ट बने रहना है। तो चलो भाई यहाँ पे देखो, जो ये ओल्ड गेम प्ले है आपको बोला था जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने, तो यहाँ पे देखना लास्ट में कितना प्यारा मैं शॉट मारता हूँ इस वीडियो में। जो टॉप लेफ्ट में आपको दो कॉइन दिख रहे हैं ना, उन दोनों को देखना आप लोगों ने ध्यान से। तो ये अपने सब्सक्राइबर भाई थे, ठीक है ना, तो ये वीडियो अपलोड करने का भूल भी गया था मैं। तो चलो भाई आज डाली दिया मैंने, और यहाँ पे ध्यान से देखना टॉप लेफ्ट में मैं इसको कट मारूंगा, और जो बाकी कॉइन रेड वाली कॉइन है उसको निकालने की ट्राई करता हूँ, और इजीली निकाल भी लेता हूँ। तो चलो सबसे पहले तो रेड वाली कॉइन को मारूंगा मैं टॉप राइट में, जो कॉइन फंसी हुई है उसको निकालने की ट्राई करूंगा। और देखो भाई ये ईद के दिन का वीडियो है भाई, मतलब बहुत दिन हो चुके भाई ये वीडियो को, बहुत ही पुराना वीडियो है ये, और यहाँ पे भाई ईद भी विश कर रहे हैं अभी अपने को। तो चलो गाइस अभी क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे कनेक्शन है ट्रिपल कनेक्शन, पर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा क्रॉस खेलता हूँ कनेक्शन को, अपने ओपोनेंट की कॉइन को, अपने ओपोनेंट की कॉइन का कनेक्शन बनाता हूँ, और इजिली मैं जो अपनी कॉइन है वो पोर्ट भी कर लेता हूँ, जो फंसी हुई कॉइन थी वो भी निकाल लेता हूँ। अगर जब मैं कनेक्शन मारता था ना गाइस, तो मेरी कॉइन भी उसके पीछे फंस जाती थी फिर से अपने ओपोनेंट की, इसलिए मैंने इस तरह से शॉट खेला। और भाई जो देखो टॉप राइट में ये कॉइन इधर आ जाते हैं, और कॉइन में इजिली भाई फिनिश कर लेता हूँ भाई, बोलते ब्रिलियंट, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो ये गेम प्ले मुझे बहुत पसंद आया था गाइस, इसलिए आप लोगों के लिए डालो। तो चलो भाई अब न्यूयॉर्क में गेम प्ले लगाते हैं यहाँ पे, और ये भी ख्याल से मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओल्ड गेम प्ले अपना, तो ध्यान से देखना इसको भी किस तरह से फिनिश करूँगा, टॉप लेफ्ट में इसको मारता हूँ, और यहाँ पे देखना जो सेंटर की जो कॉइन है वो भी निकाल लेता हूँ। और भाई और गाइस आप लोगों को एक और बात बोली थी भाई, 290,000 अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं भाई, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोगों को। और गाइस आप लोगों में कितना भी थैंक यू, कितना भी शुक्रिया अदा करूँ यार, बहुत कम है, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक आप लोगों ने यार पहुँचाया मुझे, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस। तो आप लोगों ने यार प्लीज़ जिस तरह सपोर्ट दिखा रहे हो, तो भाई आप आज भी वैसा सपोर्ट दिखाओ। पहले आप लोगों ने देखेंगे भाई पहले वीडियो पे अपने व्यू बहुत आते थे, पर अभी बहुत कम आ रहे हैं, कोई नहीं गाइस चलेगा, पर भाई आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना अपना चैनल, जिस तरह आप पहले सपोर्ट दिखा देते वैसे ही अभी दिखाओ गाइस। और भी सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर बाकी अपने 3,00,000 सब्सक्राइबर होने के लिए, तो प्लीज़ यार जिसने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना एक चैनल को, और भाई बेल आइकन को भी ऑलवेज प्रेस करके रख देना, जिस टाइम भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते ही हर वीडियो की, और आप लोगों के लिए मैं रेगुलर हो जाऊँगा गाइस बहुत जल्द, ठीक है ना, वीडियो लेके आऊँगा रेगुलर वो भी आप लोगों के लिए। तो ये कैरम प्रो के नहीं तो दूसरे तो भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए मैं, ठीक है ना, मतलब आप देखते हैं कैरम प्रो के कब तक कि ये आईटू प्ले बैन हुआ, तो उसका इंतजार करेंगे ज़रा अपन, अगर जब नहीं हुआ तो भाई अपन दूसरे गेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है दूसरा गेम अपने कौन सा खेलना चाहिए, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना भाई आप कौन सा गेम प्ले खेलते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो उसका गेम प्ले का लेके आने की कोशिश करूँगा, आप फ्री फायर खेलते हो भाई फ्री फायर का गेम प्ले लेके आएंगे, पबजी के खेलते हो तो पबजी के गेम प्ले लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना है, तो देखते हैं भाई। वैसे तो हैक तो बैन तो नहीं होने वाला है,
जो आई टू प्ले है वो शायद बैन नहीं होगा, सिर्फ आई डी बैन हो सकती है भाई। मुझे तो नहीं लगता है भाई आई टू प्ले है बैन होगा, आप लोगों ने बताना भाई बैन हो सकता है कि नहीं आई टू प्ले, तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना, आप लोगों ने बता देना आपका ओपिनियन। और भाई चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे दो गेम पे किस तरह से फिनिश करता हूँ मैं, तो टॉप फ्लिप में मैं इधर मार लेता हूँ जो अपनी राइट वाली जो कॉइन फंसी हुई है ना उसको मैं कट मारता हूँ आराम से, और भाई अपनी जो कॉइन आराम से पोर्ट हो भी जाती है, और चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले पे। और यहाँ पे चलो आ चुकी न्यूयॉर्क के गेम प्ले पे, तो यहाँ पर अपने ओपन की टर्न आती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो की मैं, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा आप लोगों का, तो चलो मैं थोड़ा हॉर स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो की, फटाक से अपना गेम प्ले जब टर्न आती है भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये लुल्लू प्लेयर है, चलता भी लुल्लू प्लेयर रहा तो चलेगा, पर आई टू प्ले है बंदा नहीं होना अपने को, ठीक है ना। और चलो यहाँ पे देखो बंदा किस तरह से फिनिश कर रहा है। और भाई आपको पता है न्यू स्टैगर था ये वाला जो डव स्टैगर है भाई, इन्होंने साबुन का नाम दे दिया डव साबुन, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा मैचिंग नाम है। तो ये डव स्टैगर जो है गाइस, इसका भी गेम प्ले अपन लेके आएंगे ज़रूर, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से कल तक के आ जाएगा उसका भी गेम प्ले, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे अपने ओपनर भाई देखो किस तरह से फिनिश करते जा रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही अच्छा शॉट मारा इससे पहले का उन्होंने। और यहाँ पे किशोर मानी ट्राई कर रहे टॉप राइट में, तो देखते भाई सक्सेसफुली मार पाते कि नहीं यहाँ पे, तो चलो भाई तो देखता हूँ यहाँ पे किस शॉट ही मारेंगे मेरे ख्याल से, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया गाइस, बेचारा एक कॉइन पोर्ट करने गया, पर यहाँ पे दोनों उसके जो ब्लैक कॉइन बचे थे भाई दोनों के दोनों पोर्ट हो जाते हैं यहाँ पे बीच में, और भी यहाँ पे टर्न अपने को बाई चांस मिल जाती है। और यहाँ पे देखो भाई कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, तो चलो भाई यहाँ पे देखो किस तरह से फिनिश करता हूँ मैं गेम प्ले। तो वैसे तो सभी कॉइन शो है, एक भी कॉइन डिफिकल्ट नहीं है अपने को, तो देखो किस तरह से अपन फिनिश करते हैं फटाफट इस गेम प्ले को। तो यहाँ पे टॉप फ्लेम में इसको मार लेता हूँ गाइस, और अभी तक आप लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना गाइस। तो चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले टॉप फ्लिप पे मार लेता हूँ। और गाइस आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे यार मुझे फॉलो नहीं किया तो यार प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लो, अभी मैं बहुत एक्टिव हो चुका अपने इंस्टाग्राम पे, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है सवाल पूछना है जो भी आपके दिमाग में आता है आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। हाँ आपको रिप्लाई लेट आएगा, पर गाइस रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है ना, मतलब बहुत से लोग रिप्लाई मतलब मैसेज करते हैं मुझे, तो रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा पर लेट होगा, ठीक है ना गाइस। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपको जो भी चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो चलो यहाँ पे रिवॉल्व शॉट मार लेता हूँ, इजीली ये गेम प्ले में विन कर लेता हूँ। और थोड़ा रिबॉन शॉट थोड़ा हार था गाइस, क्योंकि अपने जो ओपनर की कॉइन थी वो बीच में थी, फिर भी तुम्हारे भाई ने बैलेंस के साथ उसको इजीली पोर्ट कर लिया। और यहाँ पे देखो कनेक्शन जा रहा था टॉप लेफ्ट में अपना ब्रेक, तो यहाँ पे इजीली मैं एक ब्रेक लगा लेता हूँ, एक कॉइन भी पोर्ट कर लेता हूँ अच्छे खासे कॉइन भी रिलीज कर लेता हूँ। एक किस शॉट जा रहा था अभी टॉप राइट में, उसको मैं इजीली मार लेता हूँ। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट में इस वाली कॉइन को मारता हूँ, और भाई ये लास्ट गेम प्ले होने वाला है मेरे ख्याल से शायद। तो यहाँ पे देखो गाइस किस तरह से मैं टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास दो कॉइन है, दोनों कॉइन से मैं बाकी को जो कॉइन है वो निकाल सकता हूँ आसानी से। तो सबसे पहले तो मैं इससे ट्राई करता हूँ। ओ भाई पैसा बर्बाद पे है। तो गाइस ये क्या होते जा रहा है भाई, न्यू स्टैगर से भी मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, अच्छे खासे तो मैंने सीधी सीधी कॉइन मारा भी, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई भाई समझ में नहीं आया। तो चलो यहाँ पे अपने ओपोनेंट की टर्न आ जाती है, और भाई देखते भाई किधर से वो पोर्ट कर पाते कि नहीं पूरी कॉइन्स। और यहाँ पे मैं मस्ती करते जा रहा था भाई, सभी स्क्रीन पे अपने हाथ फैलाते जा रहा था, उसी के टाइम पास के बीच में यहाँ पे देखो क्या होता है भाई। तो गाइस यहाँ पे जो अपना ओपनेंट था भाई उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाया भाई, उसको टर्न भी मिल चुकी थी आसानी से, फिर भी वही बंदा फायदा नहीं उठा पाया, यहाँ पे चांस मुझे मिल जाता है। और भाई मैं तीनों कॉइन को इजीली पोर्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो टॉप फ्लाइट में मैं इसको आराम से मारूंगा। अब देखो ध्यान से, दो कॉइन बाकी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फंसी हुई कॉइन एक भी नहीं अपनी, बस दोनों कॉइन को पोर्ट करते भाई और इस गेम प्ले को यहाँ पे खत्म करते। तो चलो गाइस कल मिलता हूं एक और वीडियो के साथ आपको, तो अभी के लिए बाय बाय। और रुको रुको गाइस एक और बोल रहा था आप लोगों को, जो डव स्टैगर है कल गेम प्ले उसका लेके आऊंगा बहुत जल्द आप लोगों के लिए, ठीक है ना। We'll be right back.